हेलो दोस्तों, मेरा नाम फयाज़ है। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल टेक फयाज़। दोस्तों, ये फ्लोट स्विच है। ये जब ऐसे मोड में आ जाता है तो ऑफ हो जाता है, मोड में जाता है तो मोटर ऑन होता है। ये मोड में जाता है तो ऑफ ऑन होता है। ये मोड में जब जाता है तो ऑफ हो जाता है। ये स्विच जो है नीचे सम्प में, इसका जो ऐसे में जो कांटेक्ट हो रहा है वो कांटेक्ट जाके सम्प में कामन में कनेक्ट हो जाता है। कामन से तो नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज निकल रहे, वो एक सम्प मोटर को चालू करने के लिए, दूसरा बोर मोटर चालू करने के लिए। दो ट्रिगरिंग वहाँ सम्प से होता है। मोड में है तो सम्प ऑन होएगा, अगर ऐसे मोड में है तो बोर मोटर स्टार्ट होगा। वो नीचे जाके देखेंगे हम तो। अभी इसे ये मोड में है तो पानी चालू होएगा। ये अभी कौन सा चालू हो रहा है हमें पता नहीं, नीचे जाके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा। ये अगर सब में पानी हो तो सम्प का आ रहा होगा, अगर सब में पानी खाली होगा तो बोर मोटर का आ रहा होगा। हम नीचे जाके देखेंगे उसका स्विचिंग कैसा है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको ऑफ कर देते, ऐसे मोड में रख दे के नीचे चेक करते। आने वाले वीडियो में मैं इसका डिटेल वायरिंग कनेक्शन डिटेल्स बताऊंगा प्रैक्टिकल, जैसे कॉन्टैक्टर है, फ्लोट स्विच है, टाइमर है, ऑटो मैनुअल स्विच से कैसे ऑटो और मैनुअल करते हैं, उसका डिटेल वायरिंग कनेक्शन डायग्राम और कनेक्शन करके दिखाऊँगा प्रैक्टिकली, ठीक है ना। अगले वीडियो में सब ये प्रैक्टिकल वायरिंग के कनेक्शन के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब करते रहे। जब ये मोड में है तो ये मोटर ऑन होता, जब ये मोड में गया है तो उधर वाला मोटर ऑन होता। जब ये मोड में ऑन, ऊपर में पानी टैंक खाली है, अगर ये मोड में है ऊपर से पावर आता आके ये इस मोटर वाले कॉन्ट्रैक्टर को पावर ऑन करता, तब ये मोटर चालू होता। जब पानी हो गया, इस मोड में चला गया तो ये जो मोड में रहने पर दूसरा मोटर को ऑन करता, उधर जो मोटर है। अभी इसको देखते पावर चालू करके को, मोटर का ड्राई रन नहीं होने के लिए, जब पानी नहीं है मोटर ऑन नहीं होने के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते। ये इसमें सब मोटर ऑफ हो जाएगा, दूसरा बोर मोटर ऑन कर लेगा। ये एक स्विच दो मोटर को ट्रिगर करेगा, इसमें पानी है तब सम्प को ऑन करेगा, पानी नहीं है तो बोर मोटर को ऑन करेगा। अब इसको देखते हैं, ऐसे ये दो मोटर को स्विचिंग करेगा, जिसमें पानी, अगर सम्प में पानी नहीं है तो दूसरा मोटर को ऑन करेगा, अगर सम्प में पानी है तब ऐसे आएगा, जब सम्प में पानी है तो ऐसा आएगा तो सम्प ऑन हो जाएगा। अभी सम्प चल रहा है, जैसे नीचे चला जाएगा तो इसका मतलब सम्प में पानी नहीं है तो दूसरा बोर मोटर से ऊपर टैंक फिल करेगा। ये दो मोटर को एक ही फ्लोट से स्विचिंग करता है। ऊपर का सिर्फ है ना पानी टैंक का सिग्नल भेजता है इसको, ऊपर से जो आता है इसमें इसके कामन में जॉइंट कर देते, बाकी एक नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज जो है इसमें कनेक्ट कर देते हैं। जैसे इस मोड में हम लोग बोर मोटर के लिए दे देते, इस मोड में क्लोज जो मिल रहा है हम सम्प के लिए दे देते हैं, ताकि पानी रहने पर सम्प मोटर ऑन हो, पानी ख़त्म होने पर बोर मोटर से फिल करें। आप देख पा रहे होंगे अभी ये पानी खाली का मोड है तो वो चल रहा है, वो मोटर चल रहा है, पानी का समरसेबल पंप है। अभी जैसे ये होता है तो ये मोटर चालू होता है, ये जो सम्प का मोटर है ये मोटर चालू होता है। अगर अभी उधर ये मोड में जाने पर ये बंद हो जाता है, वो चालू हो जाता है। ये दो फ्लोट स्विच से अगर
ऊपर का इस मोड में रखा है ताकि ऊपर से जो पावर है इसके कामन में है, इसके कामन से जो दो, एक नॉर्मली क्लोज है एक नॉर्मली ओपन है, हम दो मोटर के लिए स्विचिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। दो मोटर के कॉन्टैक्टर में हम लोग इसके आउटपुट्स देंगे। अभी ऐसे होंगे तो आप देख सकते हैं ये सब मोटर चालू हो गया, बोर मोटर बंद हो गया। अगर इस ये सब में पानी है मतलब तो ये चालू हो जाएगा, जब ऐसे हो जाएगा तो उधर का बोर मोटर ऑन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बोर मोटर ऑन हुआ, सब मोटर ऑफ हो गया। जब इसमें सब में पानी है अगर है तो सब से ही भर लेगा, अगर सब में पानी नहीं है जब इस मोड में चले गया तो बोर मोटर को ऑन स्टार्ट करेगा, बोर मोटर स्टार्ट करेगा। जब सब में पानी है तो सब मोटर स्टार्ट करेगा। आप देख पा रहे होंगे बोर मोटर ऑन हुआ अभी, पानी, ये पानी खाली का मोड है। अगर पानी सब में पानी का खाली का मोड है तो बोर मोटर ऑन कर लेगा, साथ ही साथ ये ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए भी काम करता है ये फ्लोर स्विच सम्प का। जैसे पानी फुल है तो सब मोटर ऑन होएगा, पानी खाली है तो बोर मोटर ऑन होगा। ये पानी सब में पानी नहीं है इसका, ये सब में जब पानी नहीं रहता तो बोर मोटर से फिल कर लेता है ऊपर का टैंक। ऊपर का टैंक फिल होने पर ऑटोमेटिक वहाँ से पावर कट ऑफ हो जाता है। ये इसके कामन में जो पावर है अभी वो वहीं से डिस्कनेक्ट होता है। जब खाली का मोड है तभी यहाँ पर इस फ्लोट स्विच में पावर देता है, इसके इस फ्लोट स्विच के कामन में पावर आता है, कामन से दूसरे जो नॉर्मली क्लोज जो नॉर्मली ओपन दो कॉन्टैक्ट्स है हम दो कॉन्टैक्ट्स दो मोटर को ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अभी जो अभी बोर मोटर चल रहा है ये इसका ये इसमें पानी जब नहीं रहेगा तो ऐसे मोड में बोर मोटर चलेगा, जब पानी है तो सम मोटर से भर लेगा। सम से जो है सम से मीठा पानी आता है तो फिल्टर थोड़ा फिल्टर्ड होके आता है, स्केलिंग का इशू नहीं रहता है। वॉशिंग मशीन में ज़्यादातर स्केलिंग का इशू रहता है बोर मोटर से, वो प्रिवेंट करने के लिए हम लोग प्रीफर फर्स्ट सब मोटर करते हैं, उसके बाद बोर मोटर को। अगर पानी इसमें नहीं रहने के सूरत में हम लोग बोर मोटर को इस्तेमाल करेंगे। अगर सब में पानी है तो सब का ही फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, सब में पानी नहीं रहने पर बोर मोटर को ऑन करेगा। आप देख पा रहे हैं ना,